महेंद्रगढ़ नगर पालिका की चेयरमैन रीना बंटी को शिक्षा मंत्री व उनके बेटे और उच्च अधिकारी से है जान माल का खतरा। आज महेंद्रगढ़ के नगर पालिका के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके श्रीमती रीना बंटी व उनके पति सुरेंद्र बंटी ने बताया कि हमारे को कई बार लिखित में धमकियां आ चुकी हैं और हमारे ऊपर दावा प्रेशर बनाया जा रहा है। श्रीमती रीना बंटी ने बताया, हम मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर व नरेंद्र मोदी जी को यह कहना चाहते हैं कि हमें शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा व उनके लड़के और इनके साथ जो उच्च अधिकारी हैं उनसे हमें जान माल का खतरा है। हम मुख्यमंत्री जी से यह गुजारिश करते हैं कि हमें और हमारे परिवार के लिए सुरक्षा दी जाए। और श्रीमती रीना बंटी ने कहा कि हमें नगर पालिका के चेयरमैन बने करीब 2 साल हुए हैं। इस बीच शिक्षा मंत्री हमें हमारे काम को सुचारू रूप से नहीं चलने देना चाहते। इसकी वजह से शहर के अंदर लोगों को सुविधाओं से वंचित रहना पड़ रहा है। श्रीमती रीना बंटी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी तो वह भावुक हो गई और कहने लगी कि हमारी बच्ची बाहर पढ़ती है और जाने अनजाने में हमारी बच्ची के साथ कोई घटना घट जाती है तो इसकी जवाबदारी किसकी होगी। कल को कोई केस भी हो सकता है, किसी भी भागे तरफ से भी हो सकता है। ये इनकम टैक्स भी, मतलब हमारा बिजनेस भी है, हमको रोड पे तो बैठे नहीं है, ये आप सब जानते हैं, रोड पे नहीं है, काम भी कर रहे हैं। मेरे बच्चे आज बाहर है, भी कर रहे हैं। कल को लड़की है, दिन रात अखबार में पढ़ रही हो, अखबार में डेली उनके खिलाफ, लड़कियों के खिलाफ डेली आ रही है। तो हमारे हम तो डर के साए में जी रहे कि हमारी बच्ची के साथ भी कल को, मैं डेली उसको फोन पे फोन करती हूँ। आप उसके कॉलेज में जाने का टाइम भी अलग है, आने का टाइम भी अलग। मेरा बेटा आप पेपर देने कभी गुड़गांव जा रहे कभी, हम तो इसी डर के साए में जीते रहेंगे। आज मैं मुख्यमंत्री साहब से ये अनुरोध करती हूँ, अगर हमारा इस्तीफा उन्हें चाहिए तो खुले तौर पर हमें बता दे, हम अपना इस्तीफा देने के लिए तैयार। लेकिन हम अपने स्वाभिमान को छोड़कर बिल्कुल नाक कटवा, मतलब स्वाभिमान को छोड़कर हम सीट पे काम नहीं। हाँ, अगर शहर की जनता से आप पूछिए, अगर शहर की जनता ये कहती है कि प्रधान ने हमारे साथ कोई अन्याय किया है, हम उनका काम नहीं करना चाहते, उनके साथ ना इंसाफ भी कर रहे, 100 में से अगर 20 बंदे भी हमें ये बोल देंगे तो हम आपके आगे हैं। हमने अपनी तरफ से काम करने की, अब भी इस विकट परिस्थितियों में भी हम अपना काम करने की फुल कोशिश कर रहे। और उन्होंने यह भी बताया कि हम तो श्री मनोहर लाल जी से यह गुजारिश करते हैं कि अगर हमारा इस्तीफा मंजूर करना चाहें तो हम अपना इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। हम डर के साए में जी रहे हैं, हमें लोगों से जान माल का खतरा है। मंत्री महोदय के हस्तक्षेप से हमने, उपायुक्त महोदय हमारा के खिलाफ हमने एक FIR की हुई है, जिसके वजह से हम जो हमारा राजाराम सेक्रेटरी है जिसको एडिशनल चार्ज दिया गया, उन्होंने प्रधान का स्पष्टीकरण माना। अब हमारे कमेटी में ये पोजीशन आ गई कि एक सेक्रेटरी प्रधान का स्पष्ट, इस विषय से आहत होकर हमने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। आपने जो लेटर है किन किन अधिकारियों को लिखा है? मैंने प्रधानमंत्री महोदय को, राज्यपाल महोदय को, मुख्यमंत्री महोदय को, लोकायुक्त महोदय को, मुख्य सचिव हरियाणा सरकार को, वित्त आयुक्त, प्रधान सचिव नगर विकास को, श्रीमान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को, आयुक्त महोदय को, राज्य कर्ता विभाग को, सुभाष बराला जी को, कविता जैन मंत्री जी को, इनको सबको मैंने लेटर। क्या कारण है आप जो लेटर लिखते हैं, कितनी मजबूर हो गई? सर आज हमें बने हुए अभी 2 साल का कार्यकाल भी पूरा नहीं हुआ है। इस बीच हमारे साथ पहले SC ST एक्ट लगाया गया, वो भी हमारे जो गवाह विपक्ष के थे वो हमारे फेवर में आके गवाही दे गए, जिससे ये हमारा मुकदमा खारिज हो गया। उसके बाद एक इकरारनामे के तहत हमारे खिलाफ 420 का, मेरे खिलाफ, मेरे पति दोनों के खिलाफ, जिसमें दूर दूर तक भी कोई मुकदमा नहीं बनता, फिर भी हमारा 420 का मुकदमा लग गया। फिर भी हमने कुछ नहीं बोला, हम चुप रहे, हम पैचअप करते रहे, हो गया। उसके बाद हमारे खिलाफ नॉन कॉन्फिडेंस आया, कोई बात नहीं, वो तो नगर पालिकाओं में होता रहता है। इस बीच मेरे पति के खिलाफ जो 420 का, उसमें उनके अरेस्ट वारंट हो गए, उनको पकड़ने के लिए पुलिस बकायदा आई, फिर भी हम अपने तरफ से कानून से लड़ाई लड़ते रहे। इसके बाद जो SC ST एक्ट था जो हम जीत चुके थे, उसको पुनर्ओपन कर, जिसमें 3 DSP ने बकायदा जांच की है, फिर भी उसको रीओपन कर दिया है। उसके बाद अब जब दिख रहा है कि ये प्रधान कार्य कर रही है, सबका विश्वास जीतने में लगी हुई है, नॉर्मल वे में रूटीन से अपना कार्य कर रही है, अब छोटी हरकतें चार लागू होने लगी है। एक राजाराम शक्ति आते हैं, सब 20 दिन के कार्यकाल के लिए है, वो हमारा जो सचिव है वो छुट्टी पे गए हैं, उनके ब्याह पे एडिशनल चार्ज दिया गया है, 1 दिन आते हैं। एक DC रेट के कर्मचारी के फेर बदल के उसमें मेरे प्रधान पति के खिलाफ स्पष्टीकरण मांग रहे हैं, प्रधान को लिखित में धमकी दे रहे हैं।
अब कितना टॉर्चर एक प्रधान से हैंग करे उसके खिलाफ। सर हमें पहले नहीं था, लेकिन जब से ये राजनीति इतनी हावी हो गई है इसी विषय से किया गया कि मेरे को अब दिन रात ये डर लगा रहता है मेरी बेटी बाहर पढ़ती है, मेरा बेटा भी डेली बाहर पेपर देने जाता है, मेरे पति रात को अकेले घूमते रहते हैं, मेरा भी बाहर आना जाना लगा रहता है, कल को हमारे साथ कोई भी हादसा हो सकता है, इसमें कोई भी गुंजाइश नहीं है, किसी टाइम भी किसी प्रकार का कोई भी हादसा हो सकता है। इसी के वक्त इसीलिए मैं मुख्यमंत्री महोदय से ये हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि इस विषय को सीरियस लिया जाए और हमें सुरक्षा मुहैया कराई जाए। किन से जान माल का खतरा है जी? हमें अधिकारियों से ही है जिनके खिलाफ हमने ये लिखा, मंत्री महोदय से, उनके पुत्र से, उपायुक्त महोदय से, जिनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं उन सबसे हमें जान माल का खतरा है। महेंद्रगढ़ से कृष्ण कुमार की रिपोर्ट, हर न्यूज हरियाणा।